हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इंस्टाग्राम के स्टोरी को हम म्यूजिक के साथ कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर दोस्तों आप भी इंस्टाग्राम के स्टोरी को म्यूजिक के साथ डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आप आसानी से किसी के भी इंस्टाग्राम के स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो आपके फैमिली का हो, चाहे फ्रेंड का हो, चाहे किसी और का भी हो, आप उसका आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन किस तरह से डाउनलोड करेंगे आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मेरा नाम है कुंदन और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लूं, अगर किसी के इंस्टाग्राम का स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके इंस्टाग्राम को दोस्तों चालू कर लेना। तो यहां से मैं अपना फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लिया, यहां से उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम को चालू कर लिया। चालू करने के बाद दोस्तों हमारे सामने देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाता है। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे लोग स्टोरी लगा रखे हैं। यहाँ पे मैं स्टोरी चेक करता हूँ तो देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से स्टोरी भी लगा रखे हैं और यहाँ पे देखो ये भी स्टोरी लगा रखे हैं। बाय चांस मान लो ये स्टोरी हमें डाउनलोड करना है, अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो इनका प्रोफाइल पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो हम आपके सामने देखो कुछ इस तरह से आ जाता है इंटरफेस खुल करके। जो भी है दोस्तों इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा रखे हो तो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस थ्री डॉट पे एक बार हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी यूआरएल, तो दोस्तों आपको इस वाले पे एक बार हम क्लिक कर देंगे कॉपी यूआरएल पे। उसके बाद हमारे कॉपी हो जाता है, मतलब इसका यूआरएल प्रोफाइल कॉपी हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच वाले से कट करके क्रोम ब्राउजर नहीं तो गूगल को चालू कर देना। यहाँ पे सर्च करना गूगल पे इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड, तो हम जैसे हम यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड करते हैं सर्च, तो अगला पेज कुछ इस तरह से आ जाता है खुल करके। उसके बाद आपको इस वाले पे एक बार हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे देखो एक इंटरफेस आ जाता है अगला खुल करके। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा दोस्तों यहाँ पे इंटर इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर नेम, तो यहाँ पे यूजर नेम तो मैं कॉपी कर रखा था तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते यहाँ पे डाउनलोड वाले पे हम एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे हम डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लगेगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ से हम ये लोड लेना चालू कर देगा। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये देखो सर्च ले रहा है। सर्च लेने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारे सामने सारे वीडियो इसके इंस्टाग्राम पे जो भी स्टोरी लगाए होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्लीज चेक कैप्चा बता रहा है, कैप्चा कोड आया था वहां पे क्लिक कर देना दोस्तों कैप्चा कोड पे। उसके बाद आपको देखो जैसे हमने इस पे डाउनलोड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना, डाउनलोड पे हम एक बार क्लिक कर दिया तो उसके बाद देखो यहाँ से कैप्चा पे हमने क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद देखो हमने उसको फिल किया, यहाँ पे देखो हमारा नीचे स्टोरी आ गया। उसके बाद अगर इस स्टोरी को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, इस वाले डाउनलोड सेव इस वीडियो पे हम क्लिक कर देंगे। अगर हाईलाइट डाउनलोड करना चाहोगे तो यहाँ पे देखो सो हाईलाइट पे क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन हमको दोस्तों इंस्टाग्राम का स्टोरी का वीडियो डाउनलोड करना है, हमें दोस्तों इंस्टाग्राम का स्टोरी का वीडियो डाउनलोड करना है। तो यहाँ से दोस्तों सेव इस वीडियो पे क्लिक करोगे तो दोस्तों वीडियो देखो आपके सामने सेव होकर के आपके फोन पे आ जाएगा गैलरी में। तो दोस्तों अभी ये वीडियो सेव हो रहा है, अभी थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी इंस्टाग्राम के किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो रील हो, चाहे दोस्तों आपके स्टोरी हो, चाहे हाईलाइट हो, यहाँ से दोस्तों आप आसानी से डाउनलोड